नमस्कार आज हम आपके सामने लेकर आए हैं एक गणित की लूडो जी हां ये सांप सीढ़ी का मजेदार खेल आज हम यहाँ आपके साथ खेलने जा रहे हैं लेकिन ये आम सांप सीढ़ी से थोड़ा सा डिफरेंट है थोड़ा सा भिन्न है कैसे आइए हम देखते हैं सांप सीढ़ी में आप जानते हैं कि जो संख्याएं हैं वो एक से शुरू होती हैं और सौ तक जाती हैं लेकिन इस सांप सीढ़ी में आप देखेंगे ये हमारा शून्य है शून्य से आगे एक प्लस दो प्लस तीन प्लस चार पाँच छ सात आठ नौ दस ग्यारह बारह तेरह चौदह पंद्रह सोलह सतारह अठारह उन्नीस बीस इस प्रकार से संख्याएं जो हैं ये आगे की ओर बढ़ रही हैं। देख पा रहे हैं आप यह बाईस तेईस चौबीस पच्चीस छब्बीस 27, अट्ठाईस उनतीस तीस इकतीस बत्तीस इस प्रकार से ये संख्याएं जो हैं ये आगे की ओर बढ़ती जा रही हैं और ये पचास पर आकर अंत हो गया है इसका और 50 से आगे है यू विन यानी जो 50 को पार कर गया यहां पहुंच गया वो इस गेम का होगा विनर इसी लेकिन आम सांप सीढ़ी से थोड़ी भिन्न कैसे है जीरो से पहले कुछ ऋणात्मक संख्याएं यानी नेगेटिव इंटीजर्स हमने इसमें लिखे हैं जैसे कि माइनस एक माइनस दो ये शून्य से पहले हैं ये प्लस एक था फिर शून्य एक तरह की हमने संख्या रेखा यहां बनाई है माइनस एक माइनस दो माइनस तीन माइनस चार माइनस पांच माइनस छ माइनस सात माइनस आठ माइनस नौ माइनस दस इस प्रकार से ये संख्या रेखा जो है ये घटती भी जा रही है जैसे कि संख्या रेखा होती है तो हमने इस लूडो में आपके लिए एक संख्या रेखा बनाई है और यह संख्या रेखा देखिए माइनस पचास तक आती है यदि माइनस पचास से भी कम कोई बच्चा आता है तो वह इस गेम को हार जाता है और उसके लिए बेटर लक नेक्स्ट टाइम वो अपने घर जा सकता है तो इस प्रकार से इस लूडो को हमने बनाया है संख्या रेखा की सहायता से तो आइए खेलते हैं ये मजेदार सांप सीढ़ी का खेल और इस खेल का जो तो फायदा होगा वो होगा आप इंटीजर्स को सीख जाएंगे आइए खेलते हैं मैं आपको इस गेम के रूल्स समझाता हूं आइए हमारे पास इस खेल को खेलने के लिए दो गिटियां हैं ये है चंगूलाल है मंगूलाल खेल शुरू होने से पहले यह मंगूलाल और यह चंगूलाल दोनों शून्य पर स्थित हैं कहां पर स्थित हैं शून्य पर स्थित हैं जैसा कि आप यहां देख पा रहे हैं ये चंगूलाल और मंगूलाल शुरू में कहां पर आकर बैठ गए हैं शून्य पर आकर बैठ गए हैं अब मैं आपको मिलवाता हूं इस गेम की डाइस से ये देखिए ये बड़ी मजेदार एक डाइस है इस डाइस में कुछ संख्याएं आप देख रहे हैं माइनस वाली हैं, जैसे माइनस एक माइनस तीन और माइनस दो लेकिन कुछ संख्याएं प्लस वाली हैं, एक दो और तीन यानी कि इस डाइस में कुछ संख्याएं पॉजिटिव हैं और कुछ नेगेटिव भी हैं तो अब हम देखते हैं कि गेम कैसे खेली जाएगी गेम का रूल सिर्फ सिंपल सा ये है यदि चंगू लाल या मंगू लाल में से किसी खिलाड़ी को गिटी फेंकने पर पॉजिटिव संख्या आई तो वह जाएगा संख्या रेखा पर आगे की तरफ कहा जाएगा आगे की तरफ लेकिन यदि चंगूलाल या मंगूलाल में से किसी को भी नेगेटिव इंडीजर आया तो वो इस संख्या रेखा पर जाएगा पीछे की तरफ और हम जानते हैं यदि आप आगे की तरफ जाएंगे तो आप ये गेम जीत सकते हैं पचास के आगे पहुंचकर यदि आप संख्या रेखा से पीछे की तरफ आते हैं तो आप यहाँ माइनस पचास पर आकर इस गेम को हार सकते हैं तो आप तैयार हैं इस गेम को खेलने के लिए मैं तो तैयार हूं और मुझे लगता है कि चंगूलाल और मंगूलाल भी तैयार हैं। तो आइए देखें कैसे ये गेम आगे बढ़ती है सबसे पहले चंगूलाल की बारी यह है चंगूलाल इसकी बारी अभी जीरो पर है ये इसने डाइस को फेंका तो ये देखिए ये चंगू लाल को जो डिजिट आया है जो नंबर आया है डाइस पर वो आया है माइनस एक तो बच्चों गेम के रूल के हिसाब से यह आगे नहीं जा पाएगा क्योंकि इसको माइनस का निशान आया है इसलिए यह माइनस का नंबर आया है यह पीछे की तरफ जाएगा माइनस एक था इसलिए एक छलांग इसने पीछे की तरफ लगा दी अब आ गई है बारी मंगू लाल की मंगूलाल ने यह अपनी गिटी फेंकी और ये मंगूलाल को जो नंबर आया है वो आया है तीन वो आया है तीन तो मंगूलाल बड़े मजे से क्योंकि तीन है और ये प्लस का है प्लस का है तीन इसलिए मंगूलाल लाल कहा निशान लगाएगा कहां छलांग लगाएगा बच्चों आगे की तरफ कितनी छलांगे तीन एक दो और ये तीन आइए अब हम आगे देखते हैं अब बारी फिर से है चंगूलाल की चंगूलाल है परेशान कि मैं तो मंगूलाल से पीछे रह गया तो वो सोचता है यदि मुझे इस बार कोई पॉजिटिव इंटीजर आ जाए तो मैं आगे की तरफ जाऊंगा आइए देखते हैं क्या उसके दिल की हसरत पूरी होती है ये देखिए ओहो इस बार फिर से चंगू को आई है एक माइनस की संख्या जो कि है माइनस एक तो अब बताइए गेम के हिसाब से ये आगे जाएगा या पीछे जी हाँ इसको जाना होगा पीछे तो ये चंगुलाल पीछे की तरफ एक स्टेप जाएगा क्योंकि इसे माइनस एक आया है अब इसी प्रकार से मंगूलाल की बारी है और वो सोच रहा होगा यदि मुझे फिर से एक बार प्लस आ जाए तो मैं और आगे की तरफ बढ़ जाऊंगा आइए देखते हैं और ये इस बार फिर से मंगूलाल को जो संख्या मिली है वो मिली है प्लस दो कितनी मिली है प्लस दो तो यह मंगूलाल संख्या रेखा पर आगे जाएगा या पीछे प्लस वाली जिसको नंबर मिलेगा वो जाएगा आगे की तरफ तो ये दो छलांग आगे चला गया है अब भाई चंगूलाल फिर से परेशान हे प्रभु हे परमात्मा हे कृपा निधान मुझे इस बार तो कम से कम एक सौ पॉजिटिव संख्या दे दो और जब उसने संख्या फेंकी तो हाय राम ये क्या हो गया इसको फिर से एक बार माइनस की ही संख्या मिली है और ये थका हारा परेशान फिर से एक दो तीन जंप्स पीछे की तरफ जाएगा कहा जाएगा पीछे की तरफ ये बार बार पीछे क्यों जा रहा है क्योंकि इसे नेगेटिव इंटीजर्स आ रहे हैं इस डाइस में और मंगूलाल आगे की तरफ क्यों जा रहा है क्योंकि इसे पॉजिटिव इंटीजर्स मिले हैं इस डाइस में तो इससे हम ये भी एक सीख लेते हैं कि जो पॉजिटिव इंटीजर्स होते हैं वो आगे की तरफ बढ़ते हैं बड़ी संख्याओं की ओर बढ़ते हैं और जो नेगेटिव इंटीजर्स होते हैं वो छोटी संख्याओं की ओर बढ़ते हैं यदि इस वक्त आप कंपेयर करें दोनों को समझें तो मंगू लाल पे, लाल है इस वक्त, वक्त माइनस पांच पे तो बताइए इस गेम को कौन जीत रहा है जो प्लस की तरफ को आगे है यानी इस संख्या रेखा पर आगे की तरफ है तो वो है मंगूलाल इस प्रकार से आप इस लीडो को या तो अगर आपके पास समय हो तो जो बच्चा या तो माइनस पचास की तरफ या फिर ऊपर प्लस पचास की तरफ जाएगा वो बच्चा इसे जीत जाएगा यदि आपके पास समय कम हो तो आप यह भी निर्णय कर सकते हैं कि बीस बारियों के बाद जो बच्चा राइट साइड पर यानी संख्या रेखा पर आगे की तरफ होगा वह जीत जाएगा यानी वह ही वो ही बड़ी संख्या को निरूपित करेगा तो ये है हमारा एक लूडो का खेल आशा करते हैं आपको ये लूडो का खेल पसंद आएगा और आप चाहें ऐसी ही एक लूडो अपनी कॉपी में या किसी चार्ट पेपर पर या जमीन पर भी मिट्टी में बनाकर इस मजेदार खेल को खेल सकते हैं आशा करता हूं आपको ये सांप सीढ़ी बहुत पसंद आई होगी और अध्यापक साथियों के लिए एक छोटी सी इंफॉर्मेशन ये है कि इस एक छोटी सी लूडो के जरिए सांप सीढ़ी के जरिए हम बच्चों को इंटीजर्स इंटीजर्स का कंपैरिजन पॉजिटिव इंटीजर्स नेगेटिव इंटीजर्स जीरो संख्या रेखा संख्या रेखा पर बड़ी संख्याएं दाहिनी तरफ होती हैं छोटी संख्याएं है, बाईं तरफ होती हैं संख्या रेखा पर इंटीजर्स का जोड़ घटाव असेंडिंग ऑर्डर डिसेंडिंग ऑर्डर बहुत सारे टॉपिक्स हैं जो इसी एक छोटी सी सांप सीढ़ी के जरिए मजेदार खेल के जरिए हम बच्चों को खिला सकते हैं आपका बहुत बहुत धन्यवाद